हाय फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग ज्ञान ज्योति एसिस ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी की वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में कि जो भी ज्वाइन इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन आया, क्या ये ट्रू है या फेक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग ने कमेंट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जिनके जो भी लोग बनाए हैं और उनमें देख रहा हूँ मैं कमेंट कि ये फेक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, फेक नहीं है, यह सच्चाई है। और धीरे धीरे सब लोगों के पास मेल आ रहा है, और आज मैं अपना भी मेल दिखाऊंगा, जो कि अभी हमको 5:36 पर मेल आया है मेरे को भी। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 5:36 पर आज मेरे को मेल आया सुबह मॉर्निंग में। तो देखिए भाई, मैं आज आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, जो जितने भी अगर फेक समझ रहे हैं, ये फेक न्यूज़ नहीं है आप लोग की, ये रियली न्यूज़ है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे देखिए, आप लोग जो भी हो, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स एंड कम्युनिकेशन पार्टिकुलर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद मैंने देखा कि ज्वाइन इंडियन नेवी का 5:36 पे मेरा डिटेल्स पूरा आया। उसके बाद इसमें है कि डियर कैंडिडेट, ये ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से मेल आ रहे हैं। ये पता है आप लोगों को कैसे आ रहा है? बहुत सारे बच्चे अभी इस पर वो एक्सप्लेन नहीं करके ऐसे कर रहे हैं कि ये फेक है, लेकिन ये फेक नहीं है, सच्चाई है। अब बताता हूँ मैं ये कैसे आया है, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्वाइन इंडियन नेवी का कभी ना कभी आप फार्म अप्लाई किए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि इस पर आपकी इस पर लगभग जो भी ईमेल आईडी है आपका वहाँ पर रजिस्टर्ड, जब भी आप कभी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उस ईमेल पे आपके धीरे 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 जो भी है आपका आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी अप्लाई नहीं किए होंगे तो उस पर नहीं आ रहा है और बता रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग सरकारी रिजल्ट के भी साइट पर जाइएगा तो वहाँ पे भी अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप लोग जिनका जिनका ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर लॉगिन होंगे तो उनका ज़रूर दिखाएगा, जाके आप लोग अकाउंट बनाकर आप लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने अकाउंट पर भी मैंने गया, ज्वाइन इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाके मैंने देखा, तो नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे दो पेज खोलेंगे, उसके बाद दो पेज होगा उस पर आपको दिखा रहा है साफ साफ कि SSR AA का वैकेंसी दिखा रहा है उस पर, और MR का भी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जाके वैसे भी जाके देख लीजिएगा रजिस्टर्ड करके। और जिनके पास अगर मेल आ रहा है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो मेल आ रहा है तो वो ऐसे ही पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें कुछ और पर्सनल डिटेल्स आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिय अभ्यर्थी जो कि SSR तथा MR की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो 14/18 को खोला जाएगा, कृपया अपने अपने www.joinindiannavy.gov.in पर अपना अकाउंट से लॉगिन करें और अपने वैयक्तिक शैक्षणिक और कम्युनिकेशन विवरणों का अपडेट करें। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है। तो क्योंकि मैं हिंदी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के हिंदी में भी समझ में आता है और बहुत सारे भी बच्चे हैं कि इंग्लिश में भी समझ में आता है, ऐसा बात नहीं है। इन नाविक, जैसे कि नाविक का मतलब इंडियन नेवी, तो इन नाविक भर्ती हेतु पात्रता की विस्तृत जानकारी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो देखिए आप लोग जाओ इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपके सारे अपडेट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ज्वाइन इंडियन नेवी की अगर वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे तो आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपको अपडेट ज़रूर मिलेंगे। आप लोग जाके देखिए एक बार, और आप लोग ऐसे ही मत बोलिए कि फेक है ये न्यूज़, एकदम ये फेक न्यूज़ सच में नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास धीरे धीरे मेल आ रहे हैं। जैसे जैसे जो लोग अप्लाई किए थे उन पर अब उनका जो मेल है उस पर जो ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से आप लोगों को मेल किया जा रहा है कि इंडियन नेवी में SSR AA MR की वैकेंसीज आ रही हैं और आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए 14/18 के बाद ही देख और सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपका 14 दिसंबर के बाद ही आप लोग इंडियन नेवी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया कि अगर आप भारतीय नौसेना में नाविक की तरह ज्वाइन करने हेतु आवेदन के इच्छुक नहीं हैं तो कृपया इस ईमेल को अनदेखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई बात नहीं है, देखने से कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग ज्वाइन इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस आप आज से ही लग जाइए, और ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये न्यूज़ एक सच्चाई है। और सब लोगों के पास ये मेल धीरे धीरे आ रहा है, और मेरे पे भी मेल आया है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ फेक है, लेकिन सब लोगों के पास ये मेल आ रहा है तभी ये न्यूज़ एक सच्चाई है, नहीं तो अगर मेरे पास नहीं आता और मेरे फ्रेंड्स के पास भी एक आया था वो मेल, क्योंकि उन्होंने उनके जो मोबाइल पे कल आया था, आज मेरे सुबह मॉर्निंग में आया। और देखिए जैसे जैसे जिनके मोबाइल रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे ईमेल आईडी, तो उसी द टाइप से आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही बताना था,
कि आप लोग बस तैयार हो जाइए और जो भी आपका ऑनलाइन डेट है उस पर अप्लाई कीजिए और आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।